नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का हाल ही में बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास है, जो भी परिवर्तन और क्रांति आई है उसका नेतृत्व युवाओं ने किया है। युवा अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो स्वर्णिम काल होता है जो पत्थर से भी पानी निकालने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं इस विषय में विश्वास कैलाश सारंग ने और क्या कहा। जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा, और जवानी ने डर के कभी मुंह न मोड़ा। दुनिया का इतिहास उठाकर देखो, परिवर्तन आया है, क्रांति आई है, तो उसका नेतृत्व तो युवा ने किया है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनका यदि नाम हुआ, उनका यदि क्रांति के लिए उनको यदि श्रेय दिया गया, तो वो क्रांति का आगाज उन्होंने किया तो अपनी युवा अवस्था में किया। मैं यदि राम की मर्यादा की बात करूं, यदि मैं कृष्ण की लीला की बात करूं, यदि मैं बुद्ध के त्याग की बात करूं, मैं सुभाष की क्रांति की बात करूं, मैं गांधी के उपवास की बात करूं, मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां की बात करूं, तो यदि इनकी उम्र की बात करोगे तो ये सब युवा थे। यदि गांधी का हम तस्वीर बुजुर्ग की देखते हैं, पर गांधी का नाम हुआ, गांधी की क्रांति का आगाज हुआ, तो वो उसी समय हुआ जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। युवा से बड़ा कुछ नहीं। युवा अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो स्वर्णिम काल होता है जब वो पत्थर से भी पानी निकालने की क्षमता रखता है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज में।